हमारे देश में बात होती है टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, तो नाम आता है IITs का और SRM का। और आज हम SRM यूनिवर्सिटी के सोनीपत कैंपस में बैठे हैं और हमारे पास स्कूल ऑफ लॉ के जो डीन सर हैं डॉक्टर अशोक हमारे साथ हैं और एडमिशन डायरेक्टर डॉक्टर पंकज हमारे साथ हैं। सर, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे शो कॉन्सेप्ट ऑफ करियर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, मैंने बहुत नाम सुना है SRM का, जब मैं खुद भी पढ़ता था तो एक फेमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था और आज भी है SRM। और सर, यहाँ पर भी लॉ चल रहा है। सर, लॉ जो स्कूल ऑफ लॉ है उसका विज़न क्या है सर आपका? स्कूल ऑफ लॉ SRM का सोनीपत में ये फर्स्ट इनिशिएटिव, पहला इनिशिएटिव SRM का था। इससे पहले इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट और मेडिसिन में ये इंस्टीट्यूशन जो है बड़ी ख्याति प्राप्त कर चुका है। तो स्कूल ऑफ लॉ एक ग्लोबल विजन के साथ यहाँ पर क्रिएट किया गया NCR में, क्योंकि यहाँ पर संभावनाएं बहुत थी एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन क्रिएट करने की। तो इसमें हमारे पास जो मैंडेट है वो एक बार काउंसिल की जो मिनिमम मानक है उनको पूरा करते हुए हम लोग कुछ नए स्पेशलाइज्ड एरियाज जो इंटरनेशनली, लोकली, नेशनली, रीजनली हमारे लिए ऑप्शंस अवेलेबल है उनके बेसिस पर लॉ प्रोग्राम्स को हम जो है एनरिच करें। ओके, तो डॉक्टर पंकज, आप करीब करीब 20 ईयर्स से एजुकेशन की इंडस्ट्री में हैं, एंड सर, वो कौन से कोर्सेज हैं जो बच्चों के बीच में बहुत फेमस है जो SRM में आपके स्कूल ऑफ लॉ में चलाए जा रहे हैं? देखिए, जब मैंने अपनी पहली विजिट करी SRM यूनिवर्सिटी सोनीपत में और मैंने लॉ अपना जो मूड कोर्ट है स्पेशली वो देखा और अपनी इंजीनियरिंग जो हमारी लैब है कंप्यूटर साइंस, आई थिंक दो चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे देख के लगा कि वाकई में। और फिर हम स्कूलों में भी जाते हैं तो हम देखते हैं जो बच्चों का रुझान है आज की डेट में इंजीनियरिंग है, लॉ है, वो देखते हुए हमारे पास लॉ में दो प्रोग्राम हैं जो 12th के बाद कर सकते हैं, 5 ईयर्स ऑनर्स प्रोग्राम, BA LLB एंड BB LLB। उसके बाद हमारे पास LLB प्रोग्राम है 3 ईयर्स का और LLM हमारे पास 1 ईयर बहुत ही यूनिक प्रोग्राम है, इसके अंदर काफ़ी स्पेशलाइजेशन भी होते हैं। ओके, सो सर, मतलब कि आपके पास ग्रेजुएशन के प्रोग्राम है जो आपका BA LLB और BB LLB है एंड आपके पास LLM है। जी बिल्कुल। ओके, ये सर, इसके सर ड्यूरेशन क्या होता है सर कोर्स का? देखिए, जो 12th के बाद प्रोग्राम है BA LLB और BB LLB ऑनर्स प्रोग्राम, दोनों 5-5 साल के प्रोग्राम्स हैं और LLB 3 साल का है और LLM 1 साल का है तो प्रोग्राम। ओके, डॉक्टर अशोक, यदि हम बात करें लॉ फील्ड की, तो जो मेरे फादर हैं उन्होंने भी लॉ की पढ़ाई की थी उस टाइम पे, और हालांकि उन्होंने फिर बिजनेस में, वो आगे बिजनेस करते हैं और लॉ की पढ़ाई के बाद कोई अच्छा बिजनेस भी कर सकता है ऐसा मेरा मानना है। एंड सर, अभी यदि हम पिछले 10-15 सालों की बात करें तो मैंने अधिकतर फैमिलीज में मतलब डिस्कशन होते देखा है कि भाई मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। एंड सर, मैंने कम ही डिस्कशन ऐसा देखा है कि लोग बात करें कि मेरा भाई, जो मेरा बेटा वो एडवोकेट बने। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कमी है लोगों के अंदर अवेयरनेस की लॉ के प्रोग्राम्स को लेकर। तो सर, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जो लॉ के जो प्रोग्राम्स हैं उनका स्कोप क्या है और उसमें जाके वो लोग कैसे कैसे अपना करियर बना सकते हैं। लॉ में करियर ऑप्शन जो है अपार है, अनलिमिटेड जिसे कहा जाएगा। जैसे जो सामान्य प्रक्रिया है जिसमें मतलब हमारा ट्रेडिशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम है, सिविल कोर्ट्स है, क्रिमिनल कोर्ट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स है, इंक्लूडिंग हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ये एक छोटा सा एरिया है मतलब लीगल प्रैक्टिस का। उसके अलावा जो है ट्रिब्यूनल प्रैक्टिस और अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम प्रैक्टिस, जहाँ मतलब हम आर्बिट्रेशंस, मीडिएशन, कंसिलिएशन इनकी बात करते हैं, फिर एग्रीमेंट्स की बात करते हैं, देन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, जो मतलब बिजनेस जो बढ़ रहा है, जो ट्रेड बढ़ रहा है, जो ग्लोबल इंट्रैक्शंस बढ़ रहे हैं, इससे जो मुद्दे उठ रहे हैं इनमें बहुत ज़्यादा ओवरसी प्रैक्टिस, देन कॉरपोरेट प्रैक्टिस, देन सम मोर जो एरियाज है जैसे आप देख रहे हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से इकोनॉमिक ऑफेंसेस के, ड्रग्स के एक नया एरिया आ गया प्रैक्टिस का, अभी बहुत चर्चा में है। अभी तो था ये लेकिन अब चर्चा में है। नाउ यू नीड ड्रग स्पेशलिस्ट लॉयर्स जो इस एरिया में जो है, स्पोर्ट्स लॉयर्स की जरूरत है, फिनांस के लॉयर्स की जरूरत है, मैरिटाइम लॉयर्स की जरूरत है, समुद्री जो रूट्स है उसके मैनेजमेंट के लिए उसके लॉयर्स की जरूरत है। ओवरऑल यदि सर हम देखें
तो हमारी कंट्री में या फिर पूरी दुनिया में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं किसी भी कंट्री के अंदर में, तो उन सारी एक्टिविटीज़ के लिए लॉज होते हैं, और हर एक फील्ड का एक अपना लॉयर होता है जो क्या है उसे प्रॉपर समझता है और लोगों को गाइड करता है उस फील्ड में काम करने के लिए। और उनमें से कुछ फील्ड्स हैं जो आप लोग यहाँ पे कवरअप करते हैं, लोगों को उसमें ट्रेनिंग देते हैं स्टूडेंट्स को प्रॉपर। ओके सो सर, अभी जैसे कि आपने अभी बात की मूड कोड की, सर आसान भाषा में थोड़ा बच्चों को बताएं कि मूड कोड क्या होता है ओवरऑल। देखिए वैसे अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में हम बात करें तो हम कोर्ट में जाना पसंद नहीं करते, हमारी अपनी चॉइस नहीं होती, बट एक हमारे ऐसा पड़ाव आता है ज़िंदगी में, हमें जाना पड़ता है क्योंकि हर एक के साथ जाना पड़ता है। तो अगर आप मूड कोर्ट की बात करें और आप यहाँ पे विजिट करें तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कोर्ट में खड़े हुए हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, तो वही एनवायरनमेंट, यानी कि जो सेटअप है वो पूरा एक कोर्ट का सेटअप दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप ये देख लीजिए, आप ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे कि आप कोर्ट में हैं। तो जो वो कोर्ट का जो रूम है आपके पास, कोर्ट रूम है जो, तो क्या उसमें बच्चे प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे? देखिए ये बच्चों के लिए बनाया है हमने, हम चाहते हैं यूनिवर्सिटी में जब एंट्री करें और वो जब लॉयर बन के निकलें तो वो उससे पहले दिन जाके जो भी बेस्ट प्रैक्टिस हमारे स्टूडेंट कर सकते हैं और उन्होंने किया है, तो उसके लिए हमने ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उनको ड्यूरिंग देयर स्टडीज़ ही हम देना चाहते हैं। ओके डॉक्टर अशोक, यदि हम बात करें इंजीनियरिंग की, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मैंने भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी 2 साल तक, तो इंजीनियरिंग में क्या होता है कि लैब होती है, उसमें मशीनरीज होती है, उसमें जाके हम काम करते हैं। ऐसे ही यदि हम लॉ की बात करें तो लॉ में क्या होता है, जैसे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है और ड्राफ्टिंग होती है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग काम होते हैं, फिर जज साहब के सामने चीज़ों को पेश करना होता है, तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कॉलेज में पढ़ाई के दौरान प्रैक्टिकल वे में बच्चों को सिखाई जाती हैं? देखिए जनरली जो लॉयरिंग का जो प्रैक्टिस का एरिया है प्रोफेशन का, उसमें 3 तरीके के लॉयर्स, एक तो जो प्रेजेंटेशन कोर्ट के सामने या डिफरेंट फोरम्स के सामने या डिफरेंट चैम्बर्स के सामने करते हैं, दूसरा जो डॉक्यूमेंटेशन जो सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है कि कानूनी दस्तावेज कैसे तैयार किए जाएंगे, एक छोटे से बेल बॉन्ड फॉर्म से लेके एक छोटे से एग्रीमेंट से लेके इंटरनेशनल ट्रीटी तक, विच इंक्लूड्स रिट्स, ड्राफ्टिंग ऑफ रिट्स बिफोर सुप्रीम कोर्ट, बिफोर हाई कोर्ट, इंक्लूडिंग सुप्रीम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये सारी चीज़ें, और अंतर्राष्ट्रीय जो आपस में जो आदान प्रदान होता है उससे रिलेटेड एग्रीमेंट्स, तो ये दूसरे किस्म के लॉयर्स होते हैं। और इसमें ट्रेनिंग पार्ट इज वेरी क्रिटिकल, किस शब्दावली का इस्तेमाल करना है, किस स्टाइल का वो करना है, जो सर ट्रेनिंग पार्ट है उसे सर कैसे कंप्लीट कराते हैं कि बच्चों को रियल इंडस्ट्री वाला एक्सपीरियंस मिल सके, कि जब वो इंडस्ट्री में कल के दिन जाएंगे तो वहाँ पे वो परफेक्टली काम कर सके, तो उसकी क्या प्रोसेस है? क्या कोई बाहर से गेस्ट यहाँ पे आते हैं बच्चों को गाइड करने या फिर उन्हें ट्रेनिंग देने, या फिर आपके बच्चे बाहर जाते हैं बड़े बड़े लोगों के पास, एडवोकेट्स के पास ट्रेनिंग देने, इसका क्या प्रोसेस है? इसमें दोनों चीज़ें हैं, एक तो हमारा जो क्लिनिकल लीगल एजुकेशन प्रोग्राम है, सारे लैब बेस्ड प्रोग्राम है, इनको लॉयर संचालित करते हैं, जिसकी कोऑर्डिनेशन मिस्टर अरविंदो ठाकुर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के एडवोकेट है वो यहाँ आके करते हैं, हफ्ते में कुछ टाइम भी यहाँ वो बिताते हैं, कुछ दिन यहाँ बिताते हैं बच्चों के साथ, और उसके साथ साथ वो यहाँ ये लैब बेस्ड प्रोग्राम दूसरे एडवोकेट्स को बुला बुला के कुछ स्पेशल एरियाज में उनको वो ट्रेनिंग देते हैं, तो दूसरा बच्चों को भी ले जाते हैं कभी मीडिएशन चैम्बर में, कभी कोर्ट में, कभी वहाँ की प्रोसीडिंग्स को ऑब्जर्व करने के लिए, कभी कभी अपने चैम्बर में ले जाते हैं कि वो लोग क्लाइंट के साथ किस तरीके की बातचीत करते हैं केस के निर्माण के लिए। तो यानी कि जब बच्चा यहाँ से उनके चैम्बर में जाएगा और वहाँ पे बैठेगा तो उसे ओवरऑल एक्सपीरियंस होगा कि भाई मुझे कैसे क्लाइंट को डील करना, मुझे कैसे बात करनी है, क्लाइंट के सामने क्लाइंट को कैसे क्वेश्चन और आंसर किए जाते हैं फाइल के निर्माण के लिए, वो सारी प्रक्रिया वहाँ पर उसको सिखाई जाती है। उसमें एकेडमिक स्टाफ जो है ना, प्योरली एकेडमिक स्टाफ ये नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिसिंग लॉयर्स करते हैं जो बार काउंसिल के नियमों के बिल्कुल अनुकूल है, वही बार काउंसिल का मैंडेट करने के। तो दोस्तों बता दूं कि अभी मिस्टर ठाकुर जो दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और वो बताएंगे कि SRM यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ के उन्हें कैसा लगा, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, और वो बच्चों को किस तरीके से गाइड करते हैं। Mr. Thakur. Hi, this is Ardhendu Thakur. I am a practicing advocate in Delhi High Court and Supreme Court for the last 17 years. And I am being associated with SRM University for the last 4 years. And SRM University, Delhi NCR, Sonipat. And the finest thing with the Faculty of Law, SRM University, Sonipat, is that
दे आर पैरामाउंट इन गिविंग द प्रैक्टिकल क्लिनिकल एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट्स एंड आई एम हेल्पिंग देम इन दैट. उनको मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट प्रोसीडिंग्स का अनुभव हो, चैम्बर प्रोसीडिंग्स का अनुभव हो, प्री ट्रायल प्रिपरेशंस कैसे होता है ये उनको समझ में आए, और जो चीज़ों की वास्तविकता है, बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन लॉ इन थ्योरी एंड लॉ इन मोशन. इन दिस वे वी गेव देम द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, द प्रैग्मेटिक अप्रोच टू डील विद द फील्ड ऑफ लॉ, द सब्जेक्ट ऑफ लॉ, एंड दे नर्चर देमसेल्फ टू बी ए गुड लॉयर. थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप, मैं चाहूँगा कि आप ऐसे ही बच्चों को गाइड करते रहें और हमारे देश को अच्छे एडवोकेट्स देते रहें. बहुत बहुत धन्यवाद सर. आप यहाँ पे एडमिशन्स देखते हैं, पूरा हज़ारों बच्चे आते हैं पढ़ने आते हैं, तो सर पढ़ाई के साथ साथ आप लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तो यहाँ पे देते हैं, लेकिन क्या सर इंडस्ट्री में भी इंटर्नशिप के लिए जाते हैं बच्चे? देखिए, हमारा जो काम है यहाँ पे, जब बच्चे आते हैं स्कूल से और हायर एजुकेशन में आते हैं, वो 15 साल पढ़ के वहाँ पे आ रहे हैं, तो पहली बात तो उनको अच्छे से सेटल कराना, और जब वो पहले दिन यहाँ पे आए तो उनको हम पहले दिन से इंडस्ट्री रेडी की कोशिश करते हैं जो प्रोग्राम्स हमारे हैं. और जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं उसमें दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो प्रैक्टिकल अप्रोच, दूसरा इंटर्नशिप. अगर हम बात करें इंजीनियरिंग की, बात करें लॉ की, बात करें मैनेजमेंट की, बात करें, हमारे पास मोर देन 60 प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे, तो सब में बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ें इन्वॉल्व हैं. हमारा टाई अप है IBM के साथ, है जेबिया के साथ, TCS के साथ, अभी हमने इस पेंडेमिक में हमने सीमेंस के साथ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का अभी हमने टाई अप किया है, जो कि बहुत ही एक लॉकडाउन में हमने किया है. तो बिकॉज इट्स अ वेरी स्टूडेंट सेंट्रिक यूनिवर्सिटी, हम चाहते हैं कि एंड ऑफ द डे स्टूडेंट्स को सारी पॉसिबिलिटीज, सारी रिसोर्सेज हम प्रदान कर सकें, जिससे कि वो जाके अपना एक अपना करियर अच्छे से बना सकें. सर यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या होती है, अगर बच्चा लॉ की पढ़ाई कर रहा है तो वो कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे वो जॉब कर सकता है, या फिर वो कौन सी कंपनीज हैं बड़ी जहाँ पे वो अप्लाई कर सकता है जॉब के लिए? सबसे पहले तो यहाँ से जो विद्यार्थी पास आउट होता है, सर्टिफिकेशन होती है, तो उसके आधार पर उसका जो है रजिस्ट्रेशन होता है बार के साथ. एक बार वो बार उसे मतलब कॉल करता है तो वो एक एडवोकेट हो जाता है. उसका एडवोकेट ही सक्षम है किसी भी चैम्बर में जाने के लिए, नेशनली, इंटरनेशनली, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और कोई सामान्य चाहे कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, तो यहाँ वो सर्टिफिकेशन. फिर उसके बाद उसके पास करियर ऑप्शंस अपार है. सिविल प्रैक्टिस है, क्रिमिनल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, टैक्सेशन है, फिनांस से रिलेटेड चीज़ है, फिर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम है, फिर कई लोग, कई विद्यार्थी जो है जुडिशरी में इंटरेस्ट रहते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में इंटरेस्ट रहते हैं, स्पोर्ट्स लॉयरिंग में इंटरेस्टेड है, इंटरनेशनल लॉयरिंग में इंटरेस्टेड है, एकेडमिक्स में इंटरेस्टेड है, वो बाहर जाना चाहते हैं, अपनी नए तरीके से पॉलिसी स्टडी करना चाहते हैं. हमारे यहाँ पॉलिसी स्टडी सेंटर भी है जिसके अंतर्गत कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं. जैसे उसी सेंटर के अंतर्गत हमने 370 और 35A से रिलेटेड एक यहाँ पर डिस्कशन की शुरुआत की थी, जो अल्टीमेटली विच जो हमारी रिकमेंडेशंस, दो मुख्य रिकमेंडेशंस थी जिसको पार्लियामेंट ने स्वीकार करके, और वो एक जो विड्रॉवल ऑफ दीज टू आर्टिकल फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी प्रक्रिया में एक पहल थी, वो शुरुआत थी, या उसमें से जुड़े हुए लॉयर्स और फ्रेटर्निटी J&K स्टडी सेंटर, वो हमारे पार्टनर थे जो गवर्नमेंट को एडवाइज करते थे उस मैटर में. ओवरऑल यदि हम देखें तो यहाँ पे डिस्कशन बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, जैसा कि अभी सर ने बताया कि 370 का डिस्कशन यहाँ पे हुआ है, शिक्षा नीति जो भी देश में नहीं बनी है उसका यहाँ पे डिस्कशन हुआ है, यहाँ पे इतना सब कुछ होता है पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल वे में. तो यदि आपको भी अपना करियर लॉ की फील्ड में बनाना है तो स्क्रीन में दिख रहे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट को आप SRM की विजिट कर सकते हैं. डॉक्टर पंकज, इसी बीच मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सर यदि किसी बच्चे को अपना करियर SRM यूनिवर्सिटी के साथ बनाना है तो सर इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है? देखिए, हमारा एडमिशन प्रोसेस बड़ा ही सिंपल और ऑनलाइन है. हमारे यहाँ 60 प्रोग्राम्स हैं. अगर मैं बात करूँ फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट, फैकल्टी ऑफ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड PhD, तो सबके लिए एक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आप हमारी वेबसाइट विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं. आप एलिजिबल हैं जिस प्रोग्राम के लिए और उसमें सीट्स हैं, क्योंकि सीट्स बहुत कम होती हैं, कॉम्पिटिशन बहुत है, तो एप्लीकेशन बहुत आती हैं हमारे पास,
अगर सीट हैं और आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, आपको एडमिशन ऑफर होगा और आपको अपनी जो फॉर्मेलिटीज़ होंगी फीस वगैरह की वो आपको कंप्लीट करनी होंगी। इसके अलावा हमारी एडमिशन हेल्पलाइन है, आपको कोई और डिटेल चाहिए तो आप उसको कॉल कर सकते हैं। ओके सर, इसके लिए कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम भी आप लोग कंडक्ट कराते हैं क्या? देखिए, जैसे लॉ की मैं बात करूँ तो क्लैट के जो एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने इस बार क्लैट का, पहले तो मैं बधाई दूंगा कंसोर्टियम को जिन्होंने क्लैट का एग्ज़ाम इतने अच्छे से किया और लास्ट ईयर से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अपीयर किया। तो जैसे लॉ का हम क्लैट का कंसीडर करते हैं, डायरेक्ट एडमिशन भी हो, मैनेजमेंट का कैट है, मैट है, ऐसे ही इंजीनियरिंग में हम जेई कंसीडर करते हैं। और इस साल बिकॉज ऑफ पेंडेमिक अगर किसी बच्चे ने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है तो हमारे पास डायरेक्ट एडमिशन भी है ऑन द बेसिस ऑफ द क्लास 12th परफॉर्मेंस। तो ये सारे यदि आपने क्लास 12th पास कर लिया है और यदि आपको ये एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं भी दे पाए हैं तो SRM यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को आप विजिट करें और एडमिशन के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सो हमने SRM और लॉ के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया और अब हम जानेंगे डॉक्टर पंकज से कि सर वो ऐसी कौन से यूनिक चीज़ें हैं जो SRM को दूसरी यूनिवर्सिटीज या दूसरे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से अलग बनाते हैं। देखिए, आप कहीं भी जाएंगे सबसे पहले आपको देखना है वो इंस्टीट्यूशन किसने शुरू किया। जो हमारे फाउंडर हैं वो खुद एक अध्यापक है, खुद एक टीचर हैं और उन्होंने प्राइमरी स्कूल से शुरू किया। आज हमारे 22 इंस्टीट्यूशन हैं और इसके अलावा हमारे हम हॉस्पिटल में, होटल इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में, मतलब इट इज़ नॉट ओनली एजुकेशन, हम लोग काफ़ी जगह हैं। एट प्रेजेंट 85,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस में। एक बात मैं बोलना चाहूँगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये स्टूडेंट सेंट्रिक यूनिवर्सिटी है। अभी जैसे डॉक्टर कांतरू ने बताया कि स्टूडेंट्स बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो जब हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं तो वो हम उनको जैसे बच्चा एक वर्ड यूज़ करते हैं, हम जब वो बच्चा 3 साल बाद या 4 साल बाद या 5 साल बाद जो भी उसका कोर्स की ड्यूरेशन है वो निकलता है तो एक वो रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन के निकलता है। क्योंकि जो भी हम यूनिवर्सिटी में काम करते हैं वो बाय द स्टूडेंट एंड फॉर द स्टूडेंट, हम लोग सिर्फ गाइड करते हैं लेकिन स्टूडेंट्स ही सब कुछ करते हैं। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं बट एज अ फैकल्टी हम उनको गाइड करते हैं। तो प्रॉपर गाइडेंस आप लोगों का बच्चों को मिलता रहता है? बिल्कुल, कंटिन्यूस प्रॉपर गाइडेंस मिलता है और हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो रेफरेंस से आते हैं। देखिए, किसी के बड़े भाई ने 3 साल पहले बीटेक किया, उसका छोटा भाई लॉ करने आ रहा है या मैनेजमेंट करने आ रहा है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि उसी फैमिली से अगर दो बच्चे हैं यहाँ से दोनों ने कोर्स किया तो हम बहुत सेटिस्फाइड हैं कि पेरेंट्स ने यहाँ से हमारे पास जो विश्वास बनाया SRM के ऊपर, जो हमारे फाउंडर ने एक इंस्टीट्यूशन बनाया, हमें उसके लिए बहुत काम करना है और हमें बड़ी खुशी मिलती है कि लोग अपने दोनों बच्चों को यहाँ से अलग अलग कोर्स करा रहे हैं और जब बच्चे जाके किसी अच्छे संस्थान में नौकरी करते हैं और हमें फ़ोन करते हैं तो हमें सब कुछ मिल जाता है कि जो हम जो कर रहे हैं हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो भरोसा बनाए रखें, पढ़ाई करते रहें क्योंकि आपकी लाइफ में आपको आगे जाना है तो कोई साथ दे या ना दे लेकिन जो शिक्षा है, जो आपकी पढ़ाई है, जो एजुकेशन है वो आपको हमेशा हेल्प करेगी। और अंत में मेरी एक गुजारिश माँ बाप से, पेरेंट्स से, देखिए जैसे कि फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, तो गुड़हल है, गुलाब है, सबका एक अलग रंग है, एक अलग रूप है, अलग खुशबू है। ऐसे ही जो बच्चे हैं सबके अपने सपने होते हैं अलग अलग, सबका अपना अलग अलग पहचान होते हैं। कभी भी अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों से कंपेयर ना करें। कभी आपने देखा है कि आपका बच्चा आपको दूसरों के पेरेंट्स से कंपेयर करता हो? नहीं करता है ना। सो बच्चों को उनके सपने पाने में, उनके सपनों को सच करने में सहयोग करें और उनके साथ हमेशा खड़े रहें क्योंकि यदि आप उन पर भरोसा करेंगे तो पूरी दुनिया एक दिन उन पर भरोसा करेंगे। और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं और मैं चाहूँगा कि आप लोग SRM यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ें और अगर आपको उनके साथ पढ़ाई करनी है, अपना करियर बनाना है, लाखों बच्चों ने पहले भी यहाँ का करियर बनाया है, तो आप स्क्रीन में दिख रहे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें और स्क्रीन में दिख रही वेबसाइट पर जाके विजिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलेज। We'll be right back.